सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए पीएनपी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उत्तर प्रदेश में, यानी कि जितने भी डायट हैं सभी डायट्स को ये पत्र जारी किया गया है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण है आप देखिए, इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं या फिर जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है वो कहीं ना कहीं आप लोग की जो लिखित परीक्षा होती है उससे दोगुने अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन में मिलते हैं। तो आपका आंतरिक मूल्यांकन कब से कब तक होगा ये आप जान लीजिए, और किस किस जिले का डेट भी जारी हो गया कि हाँ इस डेट में उनके यहाँ आंतरिक मूल्यांकन होगा, और किस तरीके से आपको इसकी रणनीति बनानी है, कैसे आपको तैयारी करनी है आंतरिक मूल्यांकन के लिए, इन सभी के विषय में मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, और पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं और कैसे आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन होगा और किन लोगों का होगा। सबसे पहले 2019 बैच की अगर मैं बात करूं, वो बिल्कुल फ्रेश बैच है, फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट करके सेकेंड सेमेस्टर में भेज दिया गया है उनको। और यहाँ पर आप देखिए 2019 बैच जो है उसका सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन होगा, और अगर मैं 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की बात करूं तो उनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जिनका भी मान लीजिए किसी का छूट गया रहा हो आंतरिक मूल्यांकन तो उनका तो होगा ही। और आपको अच्छे से पता है कि 2018 बैच का फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है तो फोर्थ का तो होगा ही, लेकिन जिनका छूटा हुआ है फर्स्ट सेकेंड या थर्ड का किसी का भी आंतरिक मूल्यांकन तो उनका भी इसी में करा लिया जाएगा। सेम यही स्थिति 2017 बैच के साथ है, उनका भी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सभी सेमेस्टर का, यानी कि 17 बैच के भी सभी सेमेस्टर का आंतरिक मूल्यांकन इसी में होगा। इसके अलावा जो छूटे हुए हैं चाहे वो 2014 बैच के हो, बीटीसी 2015 बैच के हो, सभी का इसी में होगा आंतरिक मूल्यांकन, या जो अनुत्तीर्ण रहे हो, उत्तीर्ण ना हो पाए हो आंतरिक मूल्यांकन में, सभी लोगों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब डेट आप लोग जान लीजिए कब से कब तक होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। आप यहाँ पर दोस्तों देखिए डेट लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि 13 अक्टूबर 2020 से लेकर के, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन की डेट स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, आज 15 तारीख हो चुका है, और आप देखिए 28 अक्टूबर 2020 तक सभी कॉलेजों के द्वारा ले लिए जाएंगे आप लोग के आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि आप लोग का जो आंतरिक मूल्यांकन है वो हर हाल में 13 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में हो जाना है इसी मंथ में। तो आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए डायट के द्वारा 14 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक इसे अप्रूव करना होगा, यानी कि ये जो लेटर जारी किया गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी के द्वारा समस्त डायट के प्राचार्यों को, साथ ही साथ निजी डीलर संस्थानों को भी जारी किया गया है। तो इसलिए इस काम को अच्छे से पूरा करना है, और आपको पता है कि आपका कॉलेज जिस भी डायट से उसका संपर्क है, जिस भी जनपद में है उसी के डायट से संपर्क है, तो उसी के डायट में ये आपका डाटा भेजा जाएगा, और आपके डाटा को अप्रूव कौन करेगा, आपके डायट के प्राचार्य करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने अपना निर्धारित समय पर प्रैक्टिकल या वाइवा नहीं दिया, अगर किसी ने अपना आंतरिक मूल्यांकन नहीं कराया, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दोस्तों किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा, यानी कि 13 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आप लोगों के आंतरिक मूल्यांकन होने हैं, इसके बाद कोई भी अतिरिक्त समय देय नहीं होगा। ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो सही समय पर आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन कराएं, आपके मार्क्स सही टाइम पर भेजें, और सही टाइम पर जब भेजेंगे डायट में तो डायट के द्वारा वो पीएनपी के पास पहुंचेगा, क्योंकि पीएनपी ही आप लोगों के नंबरों को चढ़ाती है, आपको पता है आपका मार्क्सशीट वहीं से बन के आता है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि विभिन्न जिलों में अब डेट भी जारी हो गई है किस तरीके से आंतरिक मूल्यांकन या प्रयोगात्मक परीक्षा कैसे होगी। आंतरिक परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा के संबंध में आप देखिए यहाँ पर हरदोई में जारी किया गया है ये लेटर, प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदोई के द्वारा ये जारी किया गया है, सभी निजी डीएलएड संस्थानों को ये जारी किया गया है डायट के माध्यम से हरदोई के। और आप देखिए ये कल जारी किया गया है लेटर, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर का
कब से कब तक होगा यहाँ पर आप देखिए, तृतीय सेमेस्टर का अगर मैं बात करूं आंतरिक मूल्यांकन का तो 16, 17 और 19 अक्टूबर को होगा। आप देख लीजिए इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आपको थर्ड सेमेस्टर का कार्यक्रम पता करना है, अगर आप हरदोई जनपद से संबंध रखते हो। इसके अलावा 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि जो फोर्थ सेमेस्टर में है, 2018 बैच के प्रशिक्षु, उनका 16, 17 और 19 को यानी कि उनका भी इसी डेट में ही वाइवा होगा, या फिर ये कहें कि प्रैक्टिकल या फिर आंतरिक मूल्यांकन होगा, तो आप लोग भी देख लीजिए अपना। इसके बाद हम 2019 बैच के प्रशिक्षुओं की बात करेंगे। 2019 बैच के प्रशिक्षुओं का अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर 16, 17 और 19 आपका भी वही सेम डेट है, यानी कि एक ही डेट में जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी लोगों का एक साथ करवा लिया जाएगा, चाहे वो 18 बैच के हों या 19 बैच के हों, सबका प्रैक्टिकल करवा लिया जाएगा इस तरीके से 16, 17 और 19 इन तारीखों में। तो आप लोग अगर हरदोई जनपद से संबंध रखते हैं तो आप लोग अच्छे से इस डेट शीट को देख लीजिए और आप लोग अच्छे से तैयारी करके, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि आपको कोविड 19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक प्रशिक्षु मास्क, सैनिटाइजर एवं पीने हेतु पानी की बोतल प्रशिक्षु साथ में लेकर के आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि डीएलएड 2018 के कक्षोन्नति से इतर प्रशिक्षु तृतीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक या प्रायोगिक परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। और दोस्तों इस तरीके से इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो आपके रिटर्न से भी ज्यादा होते हैं, रिटर्न एग्जाम से भी ज्यादा होते हैं, तो आप लोग प्लीज इसको भी सीरियसली लीजिए। और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए हमसे तो आप पूछिए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आते हैं आप लोग का एग्जाम लेने, या आपको कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमसे बताइए, या फाइल से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है प्रैक्टिकल से, या किसी भी प्रकार का भय है तो आप हमको बताइए। दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है, आराम से आपका प्रैक्टिकल भी होगा, आराम से आपके एग्जाम भी हो जाएंगे अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है। ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर आप लोगों को पता ही है कि हर एक विषय को बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाया है, चाहे 17 बैच के प्रशिक्षु हों, 18 बैच के, 19 बैच के, सभी लोगों को पता है कि टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल ने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है और लगातार ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे। बस आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ से मिल जाएगी, हर एक विषय की वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हमने बनाया है दोस्तों सभी विषयों को, और हर एक विषय का हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से नोट्स भी बनवाया है। आपको पता है हर एक विषय के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, पवन सीरीज, राजन सीरीज सभी को कंप्लीट करवाया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप जितना शेयर करेंगे अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, इसके अलावा कॉलेज के ग्रुप में अगर आप शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचेगा और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे, और आप लोगों तक हर एक विषय हमारा पहुंचे, हर एक विषय के जो भी हमने कंटेंट तैयार किए हैं हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचे, यही हमारी सोच है। और हम यही चाहते हैं कि हर एक प्रशिक्षु हमारे चैनल से पढ़ करके जाए और वो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर गेन करे। दोस्तों जो भी प्रशिक्षु 2019 बैच के हैं वो हमसे जरूर जुड़े, क्योंकि उनके हर एक विषय को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और हर एक विषय का नोट्स बनवाया है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग समझिए कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आप लोग के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपको अच्छे से पता है कि आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर पर ही आपके फर्स्ट का भविष्य निर्भर है। तो अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में जितना अच्छा नंबर आएगा वही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से अपना सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए। इसलिए हमने बहुत मेहनत की आप लोग के पीछे कि आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। तो बस ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते रहिए आप लोग, और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर नंबर पाएं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए, और हर एक बैच के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, लगातार बनाएंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आप लोग ऐसे ही दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल से, लगातार
आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है हम आपको तुरंत उससे अवगत कराएंगे। जितने भी जिलों का जैसे जैसे निकलता जाएगा टाइम टेबल हम आप लोगों को बताते जाएंगे, और किस तरीके से आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है ये भी मैं बताऊंगी। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।